Welcome to Aryabhatta ITI's online classes. I am Kumar. I am going to show you the topic of construction of parabola. We have started this chapter in the next video. Construction of parabola. We have studied this in the next video. We have studied this in the next class. We have studied this in the next class. We have seen that parabola is made by the method. Parabola is made by the method. First, rectangular method. Second, triangular method. Third, tangent method. Fourth, focus and directrix method. Four methods are my parabola method. Next class, we will study the rectangular method. This method is catcher method. We will study the rectangular method. यहाँ तक हो गया, इसके बाद इसको पांच भाग में डिवाइड कर दिया थे, ए लाइन को सबको मिला दिया थे, इसको आमने सामने से मिला दिया था, ये पॉइंट कट के जगह जहाँ पॉइंट कटा था इसके थ्रू मिलाने के बाद एक सर्कल बना तैयार होगा। सेम इसी तरह यहाँ इधर भी बनाया था, इधर एक पैराबोला तैयार होगा। ये जो वाला तो मेथड ये रेक्टेंगल होगा, ये एक नंबर के चौक से इधर रेक्टेंगल होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। आपको एग्जाम में कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला में देखा कि कोई मेथड दे सकता है या तो फिर बोलेगा कि ड्रॉ द पैराबोला कोई एनी मेथड, तो हमको एग्जाम में कहते हैं कोई एक मेथड से इसको बना देना। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर मेथड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर मेथड। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा आपको कि त्रिभुजाकार विधि के द्वारा परवलय की रचना करें जिसकी एक भुजा 80 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, मतलब हमको बनेगा यहाँ से देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल मेथड कैसे बनेगा हमको जानना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है वो एक भुजा 80 सेंटीमीटर। चलिए ट्रायंगल इसकी एक भुजा ले लिए 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब सबको ये 80 है तो इसका मिडिल पॉइंट कितना होगा? मिडिल पॉइंट जब कितना होना चाहिए? 40 का। हाइट बता रहा है 60। चलिए यहाँ से हम मान लीजिए 60 पे एक लाइन आता है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये 60 हो गया, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। ये किसमें हाइट बताया है? ट्रेंगल करते हैं, ट्रेंगल बन गया। यहाँ तक तो कंप्लीट ट्रेंगल मेरा बन गया। एक भुजा 80, दूसरा हाइट कितना है 60 दिया। अब इसको देखिए क्या करना है। एक लाइन आप यहाँ से निकाल लीजिए इस तरह ट्रेंगल। ठीक है, इस लाइन को 8 बराबर भागों में डिवाइड कर मेथड।
इस तरह से आपको सेंटर कट से मिला है। अब देखिए ये सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट मिला है इसके पैरेलल में कौन सा पॉइंट है, सीधा स्केल लगाइए एकदम यहां पर कट जाएगा, एक यहां लगाइएगा, दूसरा यहां कटेगा, दो तीसरा पॉइंट, तीन चार पांच छह सात। देखिए यहां पर आपका एक पॉइंट कट रहा है सीधा, जहां पर ये पॉइंट कट रहा था वहां ये एक दो तीन चार पांच ये पॉइंट कट रहा है। अब हम देखें क्या कर रहे हैं, अब स्केलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। अब सेम रीनेमिंग करने के बाद इसका नेमिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 0 0। यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब क्या कर रहा है, ये देखिए ये 7 को ये 7 से मिलाया, ये 6 को ये 6 से मिलाया, ये 5 को ये 5 से, ये 4 को ये 4 से, 3 को ये 3 से, 2 को ये 2 से, 1 को ये 1 से। देखिए ये कट गया, यहां अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से फोर्स दीजिए और इस जो बाहरी टेंजेंट का है उसको स्पर्श करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाइए, जो जो बाहरी लाइन होता है ये देखिए मेरा पाराबोला तैयार हो गया। ये था ट्रायंगुलर पेंटागन, पाराबोला मेरा तैयार हो गया। ये हम लोग पाराबोला को बना लिए, कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब देखिए सेम इसी मेथड में हम लोग बनाए, तो ये जो लाइन हमने ली थी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको। अब लेकिन क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको सेट स्क्वायर का कोई लाइन ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ रहा। चलिए हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हमको बांटना है 8 भाग, ये है 60 है, 60 सेंटीमीटर की 60 है जो 60 एम। चलिए अब इसको हमको बांटना है, करेंगे क्या, यहां देखिए करते क्या है, ये हम कंप्लीट करिए 80 एमएम, ये 60 एमएम। अब देखिए क्या करेंगे, इसको बनाने में बहुत सारे लड़के को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बांटने में कुछ मिलाने में इतना उसको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको जो करना है ये देखिए 60 एमएम है, इसको 8 भाग में बांटेंगे, 7 को 8 भाग में बांटेंगे, कितना आएगा करीब 7.5 का, जैसे कि 7.5 के पहले थे 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 बच गए, बढ़ गए। अब सेम इसे सीधा में लाइन
धन्यवाद।